पेशवा के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला पेशवा कौन था? दूसरा बाजीराव प्रथम तक हमने समाप्त कर लिया। जी हाँ, अब पहले का नाम है बालाजी, दूसरे का नाम तो तीसरा नंबर आ हो जाएगा बालाजी बाजीराव, याद रहेगा क्या नाम। चलो थोड़ी पृष्ठभूमि ले। पेशवा के समय मुगल सम्राट कौन है ना, और एक एक बार अगर हम अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आगे हमारा काम और आसान होता जाएगा। जैसे कि मुगल में हमने सबसे लंबा कार्यकाल किसका देखा था? मोहम्मद शाह का देखा था ना। मोहम्मद शाह कब से कब तक रहे? 1719 से लेकर 48 तक। इनके काल में दिल्ली में क्या हुआ? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, पढ़ लिया था हमने। किसका? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और ये हमने पूरा चार्ट आपको बना के दे दिया। अब नादिर शाह के बाद अगला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का होगा, जो नादिर शाह का ही सेनापति है। आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं मुगल में। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक है, एक लंबा कार्यकाल है। पेशवा में हमारे पास पहला बालाजी, अब बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके समकालीन कौन है? बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम कब से कब तक है? 1720 से 1740, लिखते जाओ। यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने, अरे पढ़ा है कि नहीं? बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक है, ठीक है। और ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने ये भी बात पढ़ ली कि मोहम्मद शाह से ज़्यादा उनका वजीर निजाम मोहम्मद बंगस जयसिंह, तीन बड़े सेनापति लोग हैं ऐसा कह सकते हो। तीन ही ना, तीनों की कल कहानी पढ़ ली हमने, पढ़ी है कि नहीं? लेकिन सब अब अपनी अपनी जगह पर सीमित हो जाएंगे। सबको हरा चुका है कौन? तो जयसिंह हो जाएगा मेवाड़ और जयपुर में, निजाम पहुंच जाएगा हैदराबाद, और मोहम्मद बंगस पहुंच जाएगा इलाहाबाद, और तीनों अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से, है ना। और अपने एरिया को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, और मराठा लोग अपने साम्राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। मुगल दरबार में मोहम्मद शाह से हर्जाना वसूलने के लिए पहुंच गया था कौन? बाजीराव। लौट रहा था तो भोपाल का युद्ध हुआ 1737 में, निजाम को उन्होंने कुरान की कसम खिलाई थी, याद होगी। बाजीराव की पत्नी का नाम है काशीबाई, क्या नाम है? पत्नी है काशीबाई, पहली। दूसरी कौन? मस्तानी है ना, मैं मस्तानी का उल्लेख अभी यहां नहीं कर रहा हूं। बाजीराव प्रथम, पत्नी का नाम काशीबाई, काशीबाई से दो पुत्र पैदा हुए, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये उनका बड़ा पुत्र है। तो स्वाभाविक रूप से क्या बनेगा? पेशवा बनेगा कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है, पहला पुत्र हो गया। दूसरे पुत्र का नाम है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, सही है। चलो थोड़ा सा हमारे को याद है, ठीक ठीक अगर हमने पढ़ा है तो, पेशवा पहला कौन था? बाजीराव
बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र थे? दो। पहले का नाम था बाजीराव प्रथम और दूसरे का नाम था चिमना राव। बताया था, याद होगा, पिछले बार में लिखा है हमने। चिमना राव के पुत्र का नाम सदाशिव राव। वेरी गुड, सही है। हाँ जी, ये हमको थोड़ा सा इनका पेशवाओं का वंश भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे इन्हीं से काम चलने वाला है। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव स्वाभाविक रूप से क्या बनेगा? पेशवा बनेगा, क्योंकि बड़ा पुत्र है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो बड़ा पुत्र है किसका? बाजीराव प्रथम का। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? रघुनाथ राव है। ठीक है, हाँ, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहेंगे, सही है। कब तक? 1740 से 61 तक। पेशवा का पद वंशानुगत हो चुका है, ये बात आप लोग जानते हो। जानते हो क्या? नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, हमने बाजीराव प्रथम के पहले का पेशवा यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हमने आपको बार बार बताया कि बालाजी विश्वनाथ थे, उसके दो पुत्र थे, पहला और बगल में चिमना राव। चिमना राव किसका बेटा है? बालाजी विश्वनाथ चिमना राव। चिमना राव के पुत्र का नाम क्या था? सदाशिव राव, जो कहाँ युद्ध लड़ेगा? पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव राव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, इधर इधर। बालाजी बाजीराव पहला बेटा है, सॉरी, बाजीराव प्रथम और चिमना राव दोनों क्या है? भाई भाई है ना। इसका भाई कौन है? चिमना राव। किसका? हाँ जी, तो सदाशिव राव बाजीराव प्रथम के क्या थे? सदाशिव राव भतीजा है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव रघुनाथ राव दोनों सगे भाई हैं, और बालाजी बाजीराव का, हाँ, चाचा का लड़का कौन है? सदाशिव राव, है ना। किसका लड़का है? चाचा का लड़का, क्योंकि चिमना राव का बेटा है कौन? सदाशिव राव। चलो, बालाजी बाजीराव का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था विश्वास राव। विश्वास राव लिखिए, है ना, क्या नाम? विश्वास राव। किसका पुत्र था? बालाजी बाजीराव। उसके नीचे लिख रहे हैं तो उसका पुत्र होगा, याद रहेगा। यहां देख लीजिए, हाँ, पानीपत के युद्ध में, है ना, सदाशिव राव मारा गया पहला, याद रहेगा। कौन? सदाशिव राव मारा जाएगा। किससे मारा जाएगा? अहमद शाह अब्दाली से। दूसरा, पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव ने भी जिद किया था कि मैं भी जाऊंगा, तो उसको भी ले जाया गया और ये भी युद्ध में मारा गया। कौन? विश्वास राव भी मारा गया, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के पुत्र का नाम विश्वास राव, ये मारा जा चुका है। ठीक है, हाँ, काशीबाई का दूसरा पुत्र कौन है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव विश्वास राव का कौन है? चाचा। ठीक है, विश्वास राव के अलावा इनका बालाजी बाजीराव का दूसरा पुत्र था माधव राव, याद रहेगा। कौन? माधव राव। माधव राव 1761 से, वैसे तो नियम से विश्वास राव को क्या बनना चाहिए था? पेशवा बनना था, क्योंकि पेशवा का पद क्या हो चुका है? वंशानुगत हो चुका है। लेकिन विश्वास राव मारा जा चुका, इसलिए माधव राव 1761 से 1772 तक, 1772 तक क्या बने रहे? पेशवा बने रहे। लेकिन माधव राव को पेशवा बनने के पहले, है ना, पेशवा बनने के पहले गृह युद्ध से निपटना पड़ा। यानी गृह युद्ध किसके यहाँ चल रहा है? पेशवा के यहाँ। ठीक है, अब इस गृह युद्ध में शामिल होने वाला व्यक्ति कौन है इसके साथ? तो बालाजी बाजीराव का बड़ा पुत्र विश्वास राव
पानीपत के युद्ध में मारा जा चुका था, किसके साथ? सदाशिवराव के साथ। तब बालाजी बाजीराव का भाई कौन है? रघुनाथ राव ने कहा कि मुझे पेशवा बनना चाहिए नियम से, क्योंकि बड़ा पुत्र क्या हो चुका है? मारा जा चुका है। तब चूंकि वंश परंपरा चल रही है तो बालाजी बाजीराव का पुत्र ही बनना चाहिए, तो कौन है? माधव राव। और माधव राव बालाजी बाजीराव का पुत्र है, वही क्या बना? पेशवा बना। लेकिन पेशवा बनने के पहले माधव राव को किससे? किससे भाई? रघुनाथ राव से क्या झेलना पड़ा? गृह युद्ध झेलना पड़ा। गृह युद्ध के बाद माधव राव पेशवा बने। और ध्यान से सुनना एक लाइन, पेशवाओं की शक्ति चरम पर पहुंच गई थी 1761 में। किसके काल में? बालाजी बाजीराव के काल में पेशवाओं की शक्ति कहां पहुंच गई? चरम पर पहुंच गई। क्यों बोल रहे हैं? यहां देखो, आपको मालूम है बाजीराव प्रथम के काल में ही सब अपने बिल में छुप गए, सवाई, जयसिंह, निजाम, बंगस पठान मींस मोहम्मद बंगस, ठीक है। अब पूरा खुला छूट मिला हुआ है, पूरा खुला छूट किसको मिला हुआ है? पेशवाओं को। अब पेशवा लोग अपने सरंजामों के साथ, सरंजाम बांट चुका है मल्हार को, राणो जी को, याद है ना, मल्हार को, राणो जी को, उदा जी को, और झांसी को इन्होंने अपना सेंटर बना रखा है। किसको? झांसी। झांसी इनके पास क्या है? इनका सेंटर है। हाँ, झांसी इन्होंने सेंटर बना रखा, ठीक है। टीकमगढ़ के पास क्या है? झांसी है, और झांसी को पहले ही सेंटर बना दिया है झांसी। इधर का पूरा एरिया कौन जीतते जा रहे हैं? पेशवा लोग जीत करके आगे बढ़ेंगे। अब मुगल दरबार में मोहम्मद शाह कब तक रहा? 48 तक। अरे बात तो यही हो रही थी, 48 तक रहा। अब मोहम्मद शाह के काल में ही 1739 में कोई, किसने? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके इसको और खोखला कर दिया। किसको? दिल्ली को। क्यों? क्योंकि उसके सेनापति लोग तो अपनी अपनी जगह चले गए हैं, है ना, और सब स्वतंत्र हो गए। एक निजाम, इलाहाबाद, अवध भी स्वतंत्र है, बंगाल भी स्वतंत्र है, और जयपुर अपना स्वतंत्र राज्य बन चुका है। इधर दिल्ली खोखला हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। मोहम्मद शाह के काल में पहला आक्रमण हुआ, फिर नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली, इस सेनापति ने नादिर शाह की हत्या कर दी और राजा बन गया। यानी ज्यादा पावरफुल अब कौन है? अहमद शाह ने 6 बार दिल्ली पर आक्रमण किया या भारत पर आक्रमण किया, कितने बार? तो ये बार बार आक्रमण करेगा। जब अहमद शाह कहाँ आक्रमण कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली, है ना, किस पर आक्रमण? दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है। तो अब मोहम्मद शाह जा चुका है, और मोहम्मद शाह किसके काल में थे? देखो देखो, बाजीराव प्रथम के काल में। मोहम्मद शाह के बाद आने वाला व्यक्ति दूसरा अहमद शाह था, याद रहेगा, कौन? अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहा, जल्दी लिखो कौन? अहमद शाह 1748 से कब तक रहा? 54 तक रहा। लिख लिया। तो एक तरफ जो घटनाक्रम है उसमें जो जो बदलाव हो रहा है, चलो आगे बढ़े। देखिए, सॉरी, यहां पर कौन आ गया भाई? अहमद शाह। कब आया? 1748 से 1754 में।
यहां देखो इधर, आप लोग एक बार में स्थायी रूप से दिमाग में सारी चीज बैठा लीजिएगा। यहां कौन था? नादिर शाह की हत्या कर दिया इसने, और ये भी 1748 में ईरान और अफगान का राजा बन गया। कौन? यहां अहमद शाह अब्दाली आया 1748 में ईरान में। दिल्ली में भी अहमद नाम का ही आदमी आ गया। क्या नाम है? अहमद शाह। और वहां भी कौन है? अहमद शाह अब्दाली। मैंने 6 बार बोला था, उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार? जैसे ही आक्रमण करेगा तो सामने में कौन मिलेंगे? सिख राज्य मिलेगा। मिलेगा, उसके बाद दिल्ली आएगा, वो आएगा ना। ठीक है, अब इधर से अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे। इधर से कौन आगे बढ़ रहा है? पेशवा लोग। पेशवाओं ने अपना प्रभाव दिल्ली पर जमा लिया। मोहम्मद शाह तो कमजोर होकर मर चुका था, अब आने वाला कौन है? अहमद शाह के काल में दिल्ली पर और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आक्रमण किसने किया? पेशवाओं ने किया। उसका बटन चालू कर देना। ठीक है, तो पेशवा भी इधर से यहां बढ़ रहे हैं, वो भी उधर से आ रहे हैं, पानीपत युद्ध लड़ेंगे। पेशवाओं की शक्ति चरम पर कब पहुंची है? 1761 में। ठीक है, किसकी? पेशवाओं की। चलो, पेशवा का नाम क्या है? बालाजी बाजीराव। पानीपत का युद्ध में लड़कर दो लोग की मृत्यु हो चुकी है। कौन कौन? सदाशिवराव और विश्वास राव। ठीक है, अब हमारे पास, हमने मुगल शासक कौन कौन है उसको हमने देख लिया है। ठीक है, इधर से कौन आ रहा था भाई? नादिर शाह। नादिर शाह की मृत्यु कब हो चुकी है? वो ईरान में है ना, 1739 में आक्रमण है। नादिर शाह के बाद कौन आएगा? उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 1748 से शुरू कर दिया, सिख राज्य सामने मिलेगा। अब पानीपत के युद्ध में सदाशिव राव और विश्वास राव की मृत्यु के बाद बादलाजी बाजीराव को ये पता ही नहीं चला। सतारा में बैठा, पुणे में बैठा है, पेशवा कहाँ रहता है? 4 महीने बाद पता चला उसको कि हम पानीपत हार चुके हैं। किसको? क्यों? क्योंकि सारी सेना वहां गई थी। देखो कितना दूर है पुणे, घोड़े से जाना है, कोई लेटर तो भेजा नहीं जाएगा, है ना? ना कोई फोन की सुविधा है कि तुरंत पता चल जाए क्या हो जाए, ना टीवी की सुविधा है कि नहीं, कि इजराइल हमास क्या कर रहा है तो तुरंत पता चलता है कि नहीं। तो इनको 4 महीने बाद पता चला। किसको? जैसे ही पता चला शौक में ही मर गया ये। कौन? बालाजी बाजीराव को सदमा आ गया, शौक पड़ा, चला गया। 3 लोग चले गए, अब कौन आया भाई? माधव राव। इधर कौन है? जी हाँ, थोड़ी सी बात यहां पर कर दो जल्दी से फटाफट। मल्हार राव होलकर भी लड़ने गया था। सारे सरंजामधारी जाएंगे ना लड़ने, कौन गया? मल्हार राव होलकर भी गया। मल्हार राव होलकर 1767 में इनकी मृत्यु होती है, मतलब पानीपत लड़ने गया था। पानीपत लड़ने गया था तो मल्हार, अब मल्हार तो किसका दोस्त है? अरे किसका है भाई? बाजीराव प्रथम का। 1761 आते आते तक मल्हार राव बुजुर्ग हो चुका है, करेक्ट। और ये बुजुर्ग व्यक्ति भी युद्ध लड़ने गया था, लेकिन ये युद्ध से बच के आ गया। कौन? राणोजी सिंधे की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है 1745 में। राणोजी सिंधे के वंशज में महादजी सिंधे, याद रखना है। कौन? महादजी सिंधे गया था युद्ध लड़ने, कहा? पानीपत। लेकिन महादजी सिंधे भी भाग के आ गया, ऐसा कहा गया। ठीक है, कौन? तो बचकर 2 लोग आए, एक मल्हार राव और दूसरा महादजी सिंधे, बचकर आ गए। कहां से? पानीपत से। आगे देखेंगे महादजी सिंधे को भी अपने घर में गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। महादजी सिंधे से उनको दिया गया राज्य छीना गया, क्योंकि
महाजी सिंधे पर ये आरोप लगा कि आप युद्ध से भाग कर आए हो। आगे देखेंगे सिंधे वंश की कहानी में, ठीक है। तो ये दो अभी हमारे साथ साथ चलेंगे, है ना, ठीक। अगली बार मल्हार राव होलकर जब वापस आए कहां से, पानीपत से, तो मल्हार राव पर एक पहले ही आघात पहुंच चुका था पानीपत के पहले, कि मल्हार राव का पुत्र खांडे राव, याद रहेगा, मल्हार राव का पुत्र खांडे राव पहले ही स्वर्ग सिधार चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। अभी देखेंगे कि हमने कहां जाटों के विरुद्ध घेरा डाला था, तो वहां खांडे राव की मृत्यु हो गई। तो ये पहले ही मृत्यु हो गई है किसकी, खांडे राव ही अहिल्या बाई का पति था, ठीक। तो इसकी मृत्यु हो चुकी, तो वैसे ही मल्हार तो आधा था, आधा हो चुका है। अब ये युद्ध लड़ने गया कहां, पानीपत, तो उतने जोश के साथ नहीं गया था, कौन, राणोजी सिंधे की मृत्यु हो चुकी है, और राणोजी सिंधे के ही वंशज में एक महाजी सिंधे था जो युद्ध लड़ने गया था, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा, आरोप लगा, ठीक है। महाजी सिंधे ने जल्दी जल्दी गृह युद्ध से बाहर निकलकर अपने आप को स्थापित किया, और सिंधिया वंश में सबसे शक्तिशाली अगर कोई रहा तो वो यही व्यक्ति था, कौन, महाजी सिंधे, समकालीन था अहिल्या बाई का, खांडे राव की पत्नी का नाम क्या है, अहिल्या बाई था, अहिल्या बाई, ठीक है। तो एक तरफ होलकर वंश में अहिल्या बाई शासन करती रहेगी, दूसरी तरफ सिंधे वंश में महाजी सिंधे शासन करेंगी, दोनों लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहेगा, किसका, अहिल्या बाई का और महाजी सिंधे का। जल्दी जल्दी ये किससे बाहर निकलेंगे, गृह युद्ध से बाहर निकला कौन, महाजी सिंधे, खांडे राव की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही, किसके पहले, पानीपत के पहले ही, पानीपत के पहले ही, यानी खांडे राव की मृत्यु हो चुकी लेकिन मल्हार राव जीवित है, सही है, ठीक। आगे बढ़े, देखेंगे आगे, चलो। अब हमारे पास माधव राव किसका पुत्र है, बालाजी बाजीराव को, का ये पुणे के दरबार में भी पेशवाओं के यहाँ पर क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, किसके साथ चलेगा, रघुनाथ राव के साथ, ठीक है। आगे बालाजी बाजीराव कब तक रहे हैं, 1740 से 61 तक रहे ना, तब तक यहाँ पर मुगल दरबार में दो राजा हो जाएंगे, आलमगीर द्वितीय, नाम क्या है इनका, आलमगीर पहला नाम किसका था, जहांगीर का नहीं था भाई, औरंगजेब का नाम आलमगीर था, किसका, औरंगजेब का, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा, ठीक है, किसके काल में, बालाजी बाजीराव के काल में। ये दोनों बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, है ना, कौन कौन, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, तो मुगलों के यहाँ प्रभाव किसका है, पेशवाओं का, पेशवाओं का प्रभाव है एक तरफ से, इधर से पेशवा प्रभाव डाल रहे हैं, उधर से अहमद शाह अब्दाली प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, और बीच में कौन सिमट गया, दिल्ली, इतना कमजोर हो चुके मुगल। अगले नंबर पर अब मुगल में एक राजा जो लंबे समय तक चला है ना, उसका नाम है शाह आलम द्वितीय, याद रहेगा, और इसके साथ हमको बहुत सारी कहानियाँ जोड़ना है, जैसे हमने बहुत सारी कहानियाँ किसके साथ पढ़ी, मोहम्मद शाह के साथ, पता है आपको, मोहम्मद शाह के काल में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, रंगीला बादशाह है कौन, बहुत सारी कहानियाँ हमने किसके काल में देखी थी, ऐसा ही बहुत सारी कहानियाँ हम अब इनके काल में देखेंगे, कौन, शाह आलम द्वितीय सबसे कमजोर व्यक्ति है, करेक्ट, और कमजोर है, गद्दी से हटाया गया फिर बैठाया जाएगा, ठीक है, बैठाने में बहुत सारे लोगों का रोल रहेगा, कभी अंग्रेज बैठा देंगे, है ना, कभी महाजी सिंधे बैठा देंगे, शुरुआती दौर में अहमद शाह अब्दाली बैठा देगा, किसको,
शाह आलम द्वितीय को 1759 से लेकर 1806 तक लंबे समय तक चलता रहा। कौन? शाह आलम द्वितीय। अब यहां पर जाकर हम अपनी कहानी को स्थिरता दे देंगे। किसके काल तक? शाह आलम द्वितीय मुगल दरबार में एक सबसे कमजोर शासक, सबसे लिख दे रहा हूं कमजोर शासक है। आगे बढ़ जाए। हाँ, ये तो मुगल की कहानी सुन ली आपने। अब हमारे पास मुगल में, यहां ध्यान से देखो, कभी हम भूल भी गए, क्या हम मुहम्मद शाह को भूलेंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। मुहम्मद शाह के पहले तीन लोग रहे, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, उनकी कहानी पढ़ चुके थे। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद हमको याद रखना है किसको? शाह आलम द्वितीय को। अहमद शाह को क्या हम भूलेंगे? नहीं, क्योंकि ये किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के काल में रहा है। अहमद शाह अब्दाली के काल में रहने वाला अगला आदमी आलमगीर द्वितीय भी है। फिर अहमद शाह अब्दाली ने अंतिम में पानीपत जीत कर किसको? शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा के चला गया। वो अहमद शाह अब्दाली, उसने कहा कि दिल्ली का राजा कौन है? शाह आलम द्वितीय। चलो, अब आते हैं पेशवाओं की कहानी। पेशवाओं में पहले नंबर पर कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी विश्वनाथ के दो पुत्र बाजीराव प्रथम और चिमनाराव। बाजीराव प्रथम के दो पुत्र हैं, पहला बालाजी बाजीराव और दूसरा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, अब बालाजी बाजीराव, विश्वास राव और सदाशिव राव, तीनों कब चले गए? पानीपत के बाद चले गए। अब कौन आया? माधव राव। माधव राव को लंबे समय तक अपने चाचा रघुनाथ राव के साथ गृह युद्ध झेलना पड़ेगा, लेकिन गृह युद्ध से जल्दी जल्दी बाहर निकलकर, जल्दी जल्दी बाहर निकलकर माधव राव ने पेशवाओं की या मराठों की शक्ति को पुनः चरम पर पहुंचा दिया। एक समय चरम पर कब थी? 1761 तक। लेकिन वापस एक बार पुनः माधव राव ने 1761 से 1772 के बीच अपनी योग्यता के दम पर, कूटनीति के दम पर फिर से पेशवाओं को यानी मराठाओं को एक शक्तिशाली बना दिया गया, बना दिया। ठीक है, इस माधव राव के डर से, माधव राव के डर से, ध्यान से देखो, 1772 तक रहा है ना? जी हाँ, इधर बंगाल में सबसे पहले कौन आदमी था भाई? मुर्शिद कुरली खान। कब से कब तक रहा? बता चुका हूं, 1720 से 1740 तक। कौन रहा? मुर्शिद कुरली खान के बाद एक छोटा सा आएगा, उसको मैं नहीं बता रहा हूं। फिर आए अली वर्दी खान, याद रहेगा। कौन? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान बंगाल का क्या बना? स्वतंत्र नवाब। पहला नवाब कौन बना? दूसरा कौन? अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक रहा। इन दोनों व्यक्तियों ने अंग्रेजों को कंट्रोल करके रखा, लेकिन अली वर्दी खान के बाद अली वर्दी खान के घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है ना? किसके यहाँ? अली वर्दी खां के यहाँ, क्योंकि अली वर्दी खां का कोई पुत्र था नहीं, तो उसकी बेटियां थी और बेटियों के पुत्रों को बनाना था। अली वर्दी खां ने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद दौला को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। कब से रहा? 1756 से लेकर 1757 तक। तो सिराजुद दौला को भी अपने घर में क्या झेलना पड़ गया? गृह युद्ध अपने रिश्तेदारों से। ठीक है, इसके समय पर, सिराजुद्दौला के समय पर उसका जो सेनापति है वो था मीर जाफर। किसका? सिराजुद्दौला का, मीर जाफर। अभी कहानी बंगाल की सुनेंगे हम लोग, है ना, और वहां से शुरू भी करेंगे। ठीक है, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने धोखा दे दिया और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया। तो पहला बंगाल में होने वाला युद्ध कौन सा है? प्लासी का, है ना। कहाँ पर? बंगाल में पहला युद्ध कौन सा हुआ? प्लासी का युद्ध होगा।
प्लासी के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। चलो 1757 में प्लासी जीत चुके हैं कौन? अंग्रेज। 1757 प्लासी, अंग्रेजों ने धीरे से 1757 के बाद थोड़ा आगे बढ़कर बक्सर जीत लिया, सही है। कौन सा? बक्सर का युद्ध। कब जीता? 1764 में, ठीक है। अब जब बक्सर उन्होंने जीता तो बक्सर के युद्ध में 1764 में क्या जीत लिए? बक्सर जीत लिया। बक्सर जीतने के बाद उन्होंने बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इधर में कौन है? मीर जाफर, और मुगल बादशाह कौन है जो अभी बता दिया हमने, लंबे समय तक रहेगा कौन? शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया। और बक्सर जीतने के बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला उस समय मारा गया, ठीक है। तब अवध को उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में बना के रखा। अवध बफर स्टेट है का मतलब अंग्रेजों ने अवध के राजा जो भी बाद में उनको नवाब बनाएंगे उसको बना के रखा। बोला कि भाई हम तेरे को मदद जरूर करेंगे, हमारा ही तू अंडर में है, लेकिन अंग्रेज बंगाल के आसपास तक सीमित रहे। उसका कारण था कि पानीपत हारने के बावजूद, अभी हमने माधव राव को देखा था, उसने अपनी शक्ति को पुनः विस्तारित कर लिया था और शक्तिशाली रूप में कौन बन गए थे? मराठा लोग थे, ठीक है। तो मराठाओं की शक्ति 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 बहुत चरम पर पहुंची है माधव राव के काल में। इसीलिए अंग्रेज छुप कर कहाँ रहना चाह रहे हैं? अभी बंगाल तक सीमित रहना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, ठीक है। और अवध को क्या बना के रखना चाह रहे हैं? बफर स्टेट के रूप में, कि अगर मराठों ने अगर आक्रमण किया भी तो पहला आक्रमण अवध को झेलना पड़ेगा, न कि किसको? बंगाल को। क्योंकि बंगाल में अब वो 1764 के बाद 1765 से उन्होंने इलाहाबाद की संधि की, किसकी? इलाहाबाद की संधि की। और इलाहाबाद की संधि से बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। ये बार बार हम बात करेंगे आगे भी इलाहाबाद की संधि से, ठीक है। चलो, अंग्रेज इस एरिया में है। अभी मराठों में कौन चल रहे हैं? माधव राव। हर जगह इंडिया में एक चीज तो झेलनी पड़ रही है, वो क्या है? गृह युद्ध, ठीक है। ये हम लोग देखते जा रहे हैं। चलो, बालाजी बाजीराव के बाद कौन आया? माधव राव। और माधव राव ने गृह युद्ध झेला था, है ना? किसने? माधव राव ने, ठीक। माधव राव के बाद माधव राव का पुत्र बना नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव 1772 से 1774 तक रहा। कौन? नारायण राव, जल्दी लिखो। हो गया, यहां देखिए, माधव राव योग्य व्यक्ति तो है, लेकिन बेचारे को टीबी हो गई थी, तो टीबी से मर गया वो। कौन? अब माधव राव का अल्पवयस्क पुत्र नारायण राव है, ठीक है। इस नारायण राव को 1772 से कब तक है? 74 तक है, ठीक। नारायण राव को रघुनाथ राव ने फिर से गृह युद्ध में मार दिया, और रघुनाथ राव पेशवा बन गया। लेकिन नारायण राव अल्पवयस्क था, कम उम्र में शादी हो जाती थी। इसका एक अभी अभी 2 महीने का बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया माधव राव द्वितीय। क्या नाम? माधव राव द्वितीय इसका नाम रखा गया, ठीक है। और ये 1774 से
1774 से लेकर 1780 तक, सॉरी 1800 तक, 1800 तक ये राजा बना रहा। 2 महीने से लेकर 1800 आते तक कितना साल होगा? 26 साल तक क्या बना रहा? पेशवा बना रहा। कौन? माधवराव द्वितीय। क्योंकि माधवराव द्वितीय का संरक्षक बैरम खां के समान नाना फडणवीस बन गए। कौन? नाना फडणवीस। इसने सब कुछ संभाल के रख लिया। किसने? नाना फडणवीस किसके संरक्षक बन गए? माधवराव द्वितीय के। याद रहेगा, है ना? माधवराव द्वितीय क्या है भाई? पेशवा है। यहां लिख दे रहा हूं अल्प वयस्क, ठीक है। इसके नाम पर शासन करता रहा कौन? नाना फडणवीस। और पेशवाओं का युग पुरुष बोलते हैं इसको। पेशवा के पद के सम्मान को बना के रखना और पूरे जीवन इन्होंने मेहनत की। किसने? नाना फडणवीस ने। अब ध्यान से देखते हैं, नाना फडणवीस 1774 से कब तक है? 1800 तक। यहाँ आ जाओ इधर। नाना फडणवीस पेशवा पुणे में है, करेक्ट? कहाँ पर है? पुणे में है। इधर होलकर वंश में लंबे समय तक नाना फडणवीस के समकालीन अहिल्याबाई काम करते रहेगी। महादजी शिंदे लंबे समय तक शिंदे वंश में राज्य करते रहेंगे। लेकिन महादजी शिंदे अब अपनी राजधानी को उज्जैन के साथ साथ ग्वालियर तक लेकर जाएंगे। यानी उनकी दूसरी राजधानी क्या बन जाएगी? ग्वालियर बन जाएगी, ठीक है। और महादजी शिंदे अब ज्यादा से ज्यादा समय ग्वालियर में बिताने लगेंगे। किसकी तुलना में? उज्जैन की तुलना में। तो महादजी शिंदे के काल में अब हमारे पास एक और कौन आ गया? ग्वालियर आ गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, खांडे राव को हम देख रहे हैं। ध्यान से देखो, खांडे राव किसका पुत्र है? मल्हार राव का। मल्हार राव का पुत्र खांडे राव के अलावा उसने एक गोद लिया हुआ पुत्र भी था मल्हार का। मल्हार राव का पुत्र का नाम, लेकिन मल्हार राव ने एक लड़का गोद ले रखा था, उसका नाम था तुकोजी राव। तुकोजी राव, है ना? तुकोजी राव को उन्होंने युद्ध कला और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा दिया था मल्हार ने। तुकोजी राव ज्यादा योग्य था खांडे राव से, याद रहेगा। कौन? तुकोजी राव। तब मल्हार राव ने का बहुत सारे अभियानों का नेतृत्व इसको दिया था, तुकोजी राव को। क्यों? ज्यादा योग्य व्यक्ति था। और तुकोजी राव ही अहिल्याबाई के काल में सेनापति बना था। यानी कि अहिल्याबाई नाम मात्र की शासिका थी, पूरा युद्ध का काम, सेनापति का काम कौन संभाल रहा था? तुकोजी राव संभाल रहा था। जो गोद लिया हुआ पुत्र किसका है? मल्हार राव का। पूरा का पूरा कारोबार इसी के नेतृत्व में चलता था, है ना? अब हम ऐसा कह सकते हैं कि होलकर वंश में अहिल्याबाई नाम मात्र की है, काम पूरी तरह से कौन कर रहा है? तुकोजी राव सेनापति कर रहा है। एक योग्य सेनापति के रूप में इधर तुकोजी राव है और इधर महाजी शिंदे है, जो स्वयं शासक होने के साथ साथ, है ना, सेनापति भी स्वयं है। कौन? महाजी शिंदे, ठीक है। दो बड़े सेनापति हैं। और पुणे के दरबार में एक बड़ा युग पुरुष आ चुका है जिसका नाम क्या है? नाना फडणवीस। क्या नाम से प्रसिद्ध हुए? युग पुरुष के नाम से, है ना? और वो संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं किसके? एक छोटे से अल्पवयस्क बालक के रूप में। नाम क्या है उसका? माधवराव का पुत्र। नाम माधवराव द्वितीय। माधवराव का पुत्र नहीं है, उसका क्या है? पोता है, ठीक है। वो लंबे समय तक काम करेगा, है ना?
और जब तक नाना फडणवीस रहे तब तक सन 1800 तक नाना फडणवीस, महाजी शिंदे, अहिल्याबाई की तरफ से कौन है, तुकोजीराव होलकर, बड़े बड़े सेनापति है। अंग्रेज अभी धीरे धीरे बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अंग्रेज बंगाल के अलावा नीचे मैसूर पर दिमाग लगाएंगे। मैसूर को जानते हो? हाँ जी। पुणे के नीचे क्या होगा? मैसूर होगा। वहां पर कौन दिमाग लगाएंगे? अंग्रेज। अभी मैसूर के राजा हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करने में ही दिमाग लगाएंगे अंग्रेज। इस पूरे एरिया को अभी वो नहीं छेड़ेंगे। मराठा अभी शक्तिशाली है। कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने पहले तो इस कोने को पकड़ लिया और दूसरा कोना किसको पकड़ लिया? मैसूर को, ठीक है ना। और मैसूर में हैदर अली और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, इन दोनों तक वो सीमित रहेंगे। यद्यपि अंग्रेजों की एक कोठी यहाँ पर है मुंबई में, याद है आपको? मुंबई किसके पास है? अंग्रेजों के पास है ना। और मुंबई में वो अपनी कोठी के साथ साथ धीरे धीरे अपनी सेना रखना शुरू कर देंगे। कौन? अंग्रेजों की सेना मुंबई में है। अंग्रेज मैसूर को जीतेंगे धीरे धीरे करके और मैसूर में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा लिख दे रहा हूँ है ना, उसके पहले की बाद में बात होगी, 1799 में होगा। टीपू सुल्तान को पूरी तरह से पराजित कर दिया जाएगा और मैसूर राज्य उनके अधीन हो जाएगा। किसके? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के अधीन एक राज्य बंगाल है और दूसरा राज्य मैसूर है और मुंबई उनके पास है। उनके पास मुंबई में सेना होगी, ठीक है। अब मुंबई में अंग्रेजों के पास सेना है और इसका कैसे दुरुपयोग होता है वो यहाँ देखिए। इधर बालाजी बाजीराव के भाई का नाम रघुनाथ राव, ये रघुनाथ राव बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है अपने को। क्यों? क्योंकि बार बार गृह युद्ध छिड़ रहा है। किसके साथ? रघुनाथ राव बनाम रघुनाथ राव ने किसको मार दिया? नारायण राव को। फिर रघुनाथ राव प्रयास करेगा किसको मारने का? माधव राव को, समझ रहे हो। फिर माधव राव के संरक्षक के रूप में कौन आ गए? नाना फडणवीस आ गए। अब नाना फडणवीस चलते रहेंगे, रघुनाथ राव की मृत्यु हो गई, उसका बेटा आया, जैसा पिताजी वैसा बेटा, और बेटे का नाम है बाजी राव। ये तो बाजी राव है इधर भी, लेकिन ये बाजी राव कौन था? प्रथम था। इसका नाम है बाजी राव द्वितीय, सही है। कौन? बाजी राव द्वितीय। बाजी राव द्वितीय अब बनना चाहेगा क्या? पेशवा। बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनना है, लेकिन आड़े कौन आ रहा है? नाना फडणवीस आड़े आ रहा है ना, क्योंकि नाना फडणवीस क्या है, अभी संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। बाजीराव द्वितीय नाना फडणवीस के रहते तक कुछ नहीं कर पाएगा, पेशवा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। कौन? बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। लेकिन बाजीराव द्वितीय नाना फडणवीस के रहते, तुकोजी राव होलकर के रहते, महाजी शिंदे के रहते कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुकोजी राव होलकर अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद होलकर वंश का राजा बनेगा, जो कभी क्या रहा था? सेनापति। लेकिन जब ये बनेगा तब तक ये बहुत बुजुर्ग हो चुका होगा, ठीक है। बहुत कम समय, 1793 से 97 तक दो चार साल रहेगा। उसके बाद तुकोजी राव का पुत्र यशवंत राव होलकर, कौन? यशवंत राव होलकर होलकर वंश का राजा बना। तब तक इधर भी महाजी शिंदे जा चुका होगा और
दौलत राव शिंदे आ गया होगा। कौन? दौलत राव शिंदे। ठीक, ध्यान से देखना इधर, यहां पर एक मिनट सुन लें फिर आगे बढ़ेंगे। अठारहवीं शताब्दी का अंतिम दशक कौन सा होगा? अठारहवीं शताब्दी का अंतिम दशक कब से चालू होगा? 1790 से 1800 तक। हमने क्या बोला था? अठारहवीं शताब्दी का अंतिम दशक कब से शुरू होगा? 1790 से लेकर 1800 के बीच होलकर वंश के अहिल्याबाई, उसका सेनापति तुकोजी राव और शिंदे वंश के महाजी शिंदे के बीच संबंध बिगड़ जाएंगे। उसका कारण था उज्जैन और इंदौर की सीमा आपस में टकरा रही थी, सही है? तो होलकर और शिंदे के बीच, अर्थात अहिल्याबाई और महाजी शिंदे के बीच, अहिल्याबाई तो लड़ने नहीं गई, कौन गया? युद्ध हो गया, लाखेरी का युद्ध, आगे बताऊंगा। उस युद्ध में महाजी शिंदे जीत गए, होलकर वंश हार गया। आगे चलकर अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई, महाजी शिंदे की भी पुणे जाते समय मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई की जगह तुकोजी राव बने, बुजुर्ग व्यक्ति है, कौन है? महाजी शिंदे के घर में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के बाद दौलत राव शिंदे क्या बने? राणो यानी ग्वालियर में राजा बन गए। कौन? इधर में तुकोजी राव की मृत्यु हो गई, इनके यहां भी गृह युद्ध हो गया, फिर इनके यहां पर कौन बना? यशवंत राव होलकर और दौलत राव शिंदे के बीच फिर घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध की शुरुआत अंतिम समय में अहिल्याबाई और महाजी शिंदे के बीच हो चुकी थी, ठीक है? अब किसके किसके बीच हो रही है? यशवंत राव और दौलत राव शिंदे के बीच भी युद्ध होगा, यानी होलकर शिंदे के बीच में युद्ध अर्थात संबंध बिगड़ चुके, जो कभी बाजीराव के क्या हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, उनके संबंध अच्छे थे, सबके अपने अपने सरंजाम थे, ठीक है? अब यशवंत राव होलकर सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है, जैसे कि कौन था, लेकिन दौलत राव शिंदे उतने योग्य व्यक्ति नहीं है। तब दौलत राव शिंदे ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को बनाने में मदद कर दी। नाना फडणवीस की इन्होंने मिल करके हत्या कर दी 1800 में। कौन कौन ने? बाजीराव द्वितीय, दौलत राव शिंदे और पेशवा किसको बना दिया? बाजीराव द्वितीय। अब पेशवा बन गए, इधर की पीढ़ी शुरू हो गई, है ना? ये बाजीराव द्वितीय लंबे समय तक पेशवा बने रहेंगे, 1857 के विद्रोह के पहले तक। कौन? बाजीराव द्वितीय, ये इस पीढ़ी का व्यक्ति है। इधर का काम खत्म हो गया कब तक? नाना फडणवीस तक। उधर की पीढ़ी में महाजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर और तुकाजीराव होलकर, वो भी क्या हो चुके, जा चुके, और नई पीढ़ी के रूप में कौन आ चुके हैं? इधर यशवंत राव होलकर और इधर दौलत राव शिंदे। सन 1800 आते आते तक अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। कौन? अरे होलकर शिंदे आपस में लड़ रहे हैं, बाजीराव द्वितीय किसको मार रहे हैं? फडणवीस को मार रहे हैं, है ना? इन सब का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज 1799 में किसको हरा चुके हैं? मैसूर को हरा चुके हैं, ठीक है? अब मैसूर को हराने के बाद उनका अगला टारगेट मराठा लोग हैं, है ना? तो पहले हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने अंतिम वाला लिखा हूं, कौन सा? 1799 का। मैसूर हटा, उनके कब्जे में आया, बंगाल वो पहले से कब्जे में कर चुके हैं, और यहां कौन सा है?
मुंबई है, अब यहाँ मुंबई की थोड़ी सी कहानी सुनना है। अंग्रेजों के पास मुंबई में सेना हुआ करती थी, ठीक है, अंग्रेजों के पास सेना बंगाल में हुआ करती थी, अंग्रेजों के पास सेना कहाँ रहेगी, मैसूर में, अंग्रेजों के पास सेना रहती थी सेंट फोर्ट जॉर्ज में, सेंट फोर्ट जॉर्ज मीन्स चेन्नई में, इनके पास सेना है, और इनके पास जो सेना है उनके पास बंदूक है, और आपके पास क्या है, तलवार है, क्या है भाई, तलवार है। मुंबई में, चूंकि मुंबई ध्यान से सुनो सतारा और पुणे के पास में है, अब पुणे में रहता है कौन, पेशवा, पुणे में रहने वाला पेशवा, ठीक। अब सुनिएगा ये कौन है पहले नंबर पर, रघुनाथ राव को यदि पेशवा बनना होगा तो वो धीरे से भाग कर जाएगा अंग्रेजों के पास, किसके पास, और अंग्रेजों से संधि करने की कोशिश करेगा अपने ही लोगों को हराने के लिए। यही काम धीरे से कौन करेगा, बाजीराव द्वितीय करेगा, फिर ये अंग्रेजों के पास भागेगा और अंग्रेजों से जाकर क्या करने की कोशिश करेगा, संधि करने की कोशिश करेगा, यानी ये दोनों किसके पास भागेंगे, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। इधर सारे मराठा की मैं आपको कहानी सुना चुका हूं, ठीक है, अब एक कहानी बची है वो अभी सुन लीजिए। सरंजाम बांटना कौन शुरू किया था, राजा राम, सरंजाम बांटना शुरू किया राजा राम, लेकिन हमारे पास एक पेशवाओं का युग पुरुष है, उसका नाम क्या है भाई, हाँ, पेशवाओं का युग पुरुष मतलब पेशवा की शुरुआत करने वाला युग पुरुष जो है कौन है, बालाजी विश्वनाथ, यही है ना व्यक्ति, हाँ जी, बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक रहे, 1713 से 1720 तक, ठीक है, ऐसा कहना चाहिए कि 1707 के बाद ही मराठा लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे, उसको शक्तिशाली बनाने वाला व्यक्ति कौन है, बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ ने ही मराठा लोगों के सरंजाम को एक मराठा संघ में बदलने की कोशिश की थी, सही है, किसमें, मराठा संघ में बदलने की कोशिश की थी, और जो मराठा संघ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां देखो मराठा का क्या बनाना है, संघ, इधर होलकर सॉरी पेशवा लोग धीरे धीरे इस पूरे एरिया को जीतेंगे, यहां पर मराठा पेशवा और साहू के वंशज लोग काम करते रहे, गुजरात में गायकवाड़ लोग मराठा संघ के मराठाई लोग हैं, नागपुर में भोंसले लोग, याद रहेगा, नागपुर के भोंसले, गुजरात के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, धार के पवार, उज्जैन के शिंदे, ये सब लोग कौन है, मराठा है, मराठाओं का क्या है, एक संघ है। मराठा संघ को बनाने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ था, बालाजी विश्वनाथ मराठा संघ बनाए, लेकिन मराठा संघ सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसके काल में हुआ, बाजीराव प्रथम के काल में हुआ, और सारे युद्ध इन्होंने संघ बना करके जीता, किसने, लेकिन बाजीराव प्रथम के जाने के बाद मराठा संघ में थोड़ा थोड़ा विरोध होना शुरू हुआ था, किसके काल से ही, बालाजी बाजीराव के काल से ही, क्यों, क्योंकि बालाजी बाजीराव का भाई का नाम क्या है, वो थोड़ा अलग ही चल रहा था धीरे धीरे करके, ठीक है। आने वाले समय में जब इधर गृह युद्ध चलेगा तो मराठा संघ धीरे धीरे टूटेगा, अब मराठा संघ टूटकर बिखर गया 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, जब मैंने आपको कहानी सुनाई कि अहिल्याबाई और हाँ महाजी शिंदे के संबंध बिगड़कर इनके बीच आपस में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, ठीक है, वहां से पूरी तरह से मराठा संघ बिखर चुका। इस बिखरे हुए संघ पर अब कब्जा जमाने की कोशिश करेगा कौन, अंग्रेज, तो इनके बाद यानी 1800 के बाद अब हमारे पास एक शक्ति के रूप में उभर कर कौन आ जाएंगे, अंग्रेज आ जाएंगे। अब अगले की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे किसके साथ,
अंग्रेजों के साथ, याद रहेगा, है ना, कहानी समझ में आ रही है। तो अंग्रेज 1800 तक, है ना, बंगाल और मैसूर तक सीमित रहेंगे। मुंबई उनकी एक छोटा सा केंद्र है, दहेज में मिला था, लेकिन वो मुंबई ही बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, क्योंकि पास में मुंबई है ना। और जितना भी आधुनिक भारत में आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हो, तो अंग्रेजों का राजनीतिक विस्तार आप मुख्यतः कहाँ देखते हो? बंगाल में देखते हो, सही है, कहाँ पर? ठीक, यहाँ देख लीजिएगा, माधव राव के काल में 1772 तक रहा है, बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1785 तक कौन रहेगा? वारेन हेस्टिंग्स। उसके पहले बंगाल में दूसरे लोग और आएंगे, आएंगे ना। जब पहले आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है 1775 से, तो अंग्रेज लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि मराठों ने हैदर अली दक्षिण में है उनके साथ भी संघ बनाकर अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से भगाने का तय कर लिया था। तो वारेन हेस्टिंग्स डर गया था, हमारा क्या होगा, है ना। तो कंपनी बहुत छुप कर काम कर रही थी, इतना आतंक मचा के रखा था कि इन्होंने मराठा, याद रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन संगठित नहीं हो पाए, अगर बाजीराव प्रथम जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद अंग्रेज भारत में टिक ही नहीं पाते, सही है। और पूरे भारत पर किनका राज्य होता? मराठों का राज्य होता, है ना, क्योंकि मुगल तो कमजोर हो ही चुके थे, और फिर से एक हिंदू राज्य की क्या हो जाती? स्थापना होती। लेकिन संघ आगे चल करके धीरे धीरे करके कमजोर होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। हमने बिखरते हुए होलकर और शिंदे को ही देख लिया, ठीक है। एक और छोटी सी बात बता दूं, फिर इसको बंद करते हैं। अहिल्याबाई सासिका बनेगी, उनका सेनापति कौन है? इनके बीच में आपस में संबंध बड़े खराब थे, क्यों? अहिल्याबाई उदार तरीके से मंदिर बनाने, घाट बनाने, दान देने में खुश थे, सेना के खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते थे, इस बात से खफा थे। कौन? उनका कहना था कि सेना का भी तो खर्चा चलना चाहिए ना, सैनिकों को वेतन नहीं मिलेगा और तुम लोगों को दान दोगे तो ये ठीक बात नहीं है। सिक्के का ये दूसरा पहलू भी बहुत सत्य था, लेकिन इतिहास में बहुत कम दिखाया गया। हम अहिल्याबाई को पढ़ते हैं तो उनके लोक कल्याणकारी कार्य, ये कार्य वो कार्य ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रशासक बनने जाते हैं तो एक प्रशासक मेरिट और डीमेरिट दोनों देखता है, याद रहेगा। तो हम अहिल्याबाई को जब लिखें तो दो पंक्ति में इस बात को भी लिखना चाहिए, ठीक है। ये तुकोजीराव होलकर है जो मल्हार राव का क्या है? दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ व्यक्ति था, ठीक है, और उसको उसने सब कुछ सिखा दिया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि मल्हार के बाद अगर इस पूरी पीढ़ी में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी पाद के काल में 1750 के बाद, है ना, तुकोजी राव होलकर सबसे योग्य सेनापति है। आगे चलकर यशवंत राव होलकर आएंगे, ठीक, यानी अगर हम बड़े नामों को गिने कहां पर? होलकर में, तो होलकर में सबसे बड़ा नाम मल्हार राव का, फिर होलकर में बड़ा नाम अहिल्याबाई का है, नो डाउट, तुकोजी राव का, और उसके बाद यशवंत राव का। शिंदे वंश में बड़ा व्यक्ति है कौन? राणोजी शिंदे, युद्ध लड़ा खूब सारा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी चला गया। फिर उसके बाद जयप्पा शिंदे, जनाजी शिंदे आदि आदि देखेंगे, सब कोई काम के नहीं। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति कौन मिलेगा? महाजी शिंदे, इनके नाम याद रखना है हमको, है ना। महाजी शिंदे के चले जाने के बाद फिर शिंदे वंश जो है वो
दल बदलू हो गया, विश्वसनीय नहीं बचा। और तब तक विश्वसनीय नहीं बचा जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। कौन? सिंधिया वंश। ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं आपसे कहवाना चाह रहा था। इतिहास वहां से बिगड़ गया। किसके काल से? यहां से। जे बिगड़ा तो पहले अंग्रेजों के पीछे लग्गू बने, फिर उन्होंने वहां वहां जहां जहां मौका मिला, समझ गए, रानी लक्ष्मीबाई के काल में और आदि आदि के काल में, और आप जानते हो ना किसका इतिहास? सिंधे वंश का। ठीक है, लगभग लगभग कहानी आपको समझ में आ गई है, आगे इतिहास कैसे चलने वाला है। और अब हम अंग्रेजों को अगर पढ़ना चाहते हैं, किसको? अंग्रेजों को पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेज से पहले क्या जीताओ? बंगाल, बंगाल से बक्सर, बक्सर से इलाहाबाद की संधि, और वहीं से उनको आगे बढ़ा के रख दो। 1800 तक चुपचाप रहो, ठीक है। नीचे उनसे मैसूर जीतवा लो, वो वहाँ दिमाग लगाएंगे। जब तक मराठा शक्तिशाली है वो दिमाग नहीं लगाएंगे। बस मैं आगे की एक छोटी सी कहानी सुनाकर इसको बंद कर देता हूँ, वो ध्यान से सुनना है। कौन है भाई ये? बाजीराव द्वितीय। किसकी हत्या करके? नाना फडणवीस की हत्या करके। किसका साथ लेकर? दौलतराव शिंदे का साथ लेकर क्या बन गए? पेशवा बन गए। कौन? बाजीराव द्वितीय पेशवा बन चुके। अब अंग्रेजों के साथ पहला युद्ध हो चुका था 1775 से 82 के बीच ही, लेकिन महाजी शिंदे ने उस युद्ध को समाप्त करवाया था, क्योंकि महाजी शिंदे अब समझ चुके थे कि अंग्रेज धीरे धीरे बक्सर से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पराजित कर चुके हैं। कौन? अंग्रेज। और मैं भी अपने आप को उज्जैन से कहाँ ले जा चुका हूँ? ग्वालियर ले जा चुका हूँ। तो अब ग्वालियर के पास कौन टकराएंगे आकर के? अंग्रेज आकर टकराएंगे। तो उन्होंने पहले आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के साथ संधि करवा दी अपना हित के लिए। कौन? महाजी शिंदे ने। जबकि अभी मराठाओं से खुद डरे हुए थे। कौन? अंग्रेज डरे हुए थे। उस डरे हुए व्यक्ति से इन्होंने क्या करवा लिया? अंग्रेज भी थोड़ा शांति में रहे कि अरे यार चलो कम से कम अभी तो थोड़ा दिन शांत रहे। तो हम पूरा दिमाग कहाँ लगा पाए? मैसूर पर और बंगाल पर। और इनको आपस में लड़ने झगड़ने देते हैं, है ना, और बंबई से हम मजा देखते हैं। वो कहाँ से मजा देख रहे थे? क्योंकि उनका मजा देखने का एरिया तो यहीं से आसपास में था, ठीक है। और इनको गृह युद्ध में छिड़ने देते हैं, मराठा संघ को बिखरने देते हैं, इसका इंतजार करते रहे वो, ठीक है। फिर जैसे ही ये बिखरेंगे, पेशवा के रूप में कौन व्यक्ति आया? बाजीराव द्वितीय आया। और बाजीराव द्वितीय ने पेशवा बने रहने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। और उस समय की जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802-3 में चल रहा था, पहला युद्ध मराठों के साथ कब हुआ था? 75 से 82 के बीच। उस समय महाजी शिंदे ने क्या करवाया? संधि करवाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा युद्ध 1802-3 में हुआ, तब तक अंग्रेज अपने आप को वेलेजली की सहायक संधि से मजबूत कर चुके थे, ठीक है। 1802-3 में अंग्रेजों ने सारे मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां की और सबको अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संधि से कमजोर बनाया। सहायक संधि से फड़फड़ाने वाले मराठा सरदारों ने एकजुट होकर के 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा, और वो इसके नेतृत्व में लड़ा। किसके? बाजीराव द्वितीय के। अब बाजीराव द्वितीय ये बात समझ चुका था कि अंग्रेज जो है हमको अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बना चुके हैं वेलेजली की सहायक संधि जो शुरू की गई थी, यानी सहायक संधि के द्वारा, ठीक है। अब बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में ऐसा कह सकते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ, 18 में वेलेजली की क्या आई थी?
सहायक संधि से ये सब गुलाम हो चुके थे आधे। कैसे? सहायक संधि में ये तय था कि अंग्रेज आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहला, आपके घर पर अंग्रेजों की सेना रखी रहेगी, उसका खर्चा तुम उठाओ। और अंग्रेज का सेना रखी रहेगी यानी उसको बोलते थे रेजिमेंट, और अंग्रेजों का एक आदमी भी आपके यहाँ रहेगा जो देखेगा कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध तो काम नहीं कर रहे हो, उसको बोलते थे रेजिडेंट। तो दो चीज़ें अंग्रेजों ने उनके घर में रख दी थी, पहला सेना मींस रेजिमेंट बोलते हैं सेना को, और एक आदमी रेजिडेंट अपना प्रतिनिधि वो उनको देखता रहता था। ठीक है, इसका मतलब वो राजा अब अगर चूचा भी करे, हिलने डुलने की भी कोशिश करे, तो सेना भी वही है उसके घर में और सेनापति भी उनके घर में ही है, उसको वहीं के वहीं क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए बाजीराव द्वितीय ने एक बार युद्ध की शुरुआत कर दी 1817-18 में, 1817-18 में युद्ध की शुरुआत की, लेकिन पूरे तरह से अंग्रेजों ने सबको हराया। एक बार मराठा समाप्त। ठीक, अब बाजीराव द्वितीय बैठे कहाँ थे? पुणे में। इन्होंने देखा कि यार ये पुणे में बैठेगा तो फिर से क्या करेगा, सभी लोगों को एकत्रित करेगा। कौन? बाजीराव द्वितीय। तब अंग्रेजों ने मराठा लोगों को यानी कि बाजीराव द्वितीय को तृतीय आंग्र मराठा युद्ध 1817-18, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला 75-82 महाजी सिंधिया के नेतृत्व में उस युद्ध को समाप्त किया गया, समझौता कराया गया अंग्रेजों से, डरे हुए अंग्रेजों से, पहला। दूसरा 1802-3 सभी को हराकर सबके साथ क्या की गई, सहायक संधि, क्योंकि तब तक आप अपन भी खुद ही लड़ रहे थे। 2-3 के बाद 1817-18 में फिर से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मराठे पूरी तरह से खत्म। अब मराठा पेशवा कौन है? बाजीराव प्रथम है कि द्वितीय है? किसका बेटा है? रघुनाथ। वेरी गुड। उसको उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम पुणे से उठो, जरा यहाँ रहते हो तो अपने लोगों को जोड़ते हो, यहाँ से उठाया और सीधे लाकर यहाँ पटक दिया बिठूर में, कानपुर के पास, है ना? किसको? बाजीराव द्वितीय को कहाँ बैठा दिया गया? बिठूर में लाकर बैठा दिया गया और पेंशनर बना दिया गया। ठीक है, ताकि वो अब और लोगों को आपस में जोड़ ना सके। बिठूर में रहते हुए बाजीराव द्वितीय गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध काम करते रहे और उनके साथ एक सेनापति के रूप में, एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में मोरो पंत, जो झांसी की रानी के पिता थे, क्या नाम? मोरो पंत, जो झांसी की रानी के पिता थे, उनके साथ मिलकर गतिविधियां चलाते रहे, क्रांतिकारी गतिविधि, है ना? ठीक। और इन्हीं मराठों ने आगे चलकर 1857 का विद्रोह किया, यानी 1857 का विद्रोह भी किनके नेतृत्व में हुआ? मराठों के नेतृत्व में, है ना? ठीक है। और मराठा ही झांसी में, झांसी की रानी है, लेकिन उसके पिता का नाम मोरो पंत है, जो किसके सहयोगी हैं? बिठूर में बैठे हुए कौन? अब उन्होंने यहाँ से विद्रोह करने की बजाय केंद्र किसको बनाया? झांसी को, बिठूर को, कानपुर को। कानपुर के नाना साहब याद है आपको? कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी, सही है, और झांसी की रानी के सहयोगी तात्या टोपे, तात्या, ये सब लोगों ने मिलकर इस एरिया में 1857 का पहला विद्रोह किया। कहानी समझ में आ गई धीरे धीरे, है ना? अंग्रेज शुरू कहाँ से करेंगे? बंगाल से, हाँ, फिर मैसूर से शुरू करेंगे ना, और धीरे धीरे
मोड़ किस प्रकार से आएगा, कैसे बदलाव होगा। फिर 1857 के विद्रोह में आपको पराजित करने के बाद फिर ये लोग बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे अंग्रेज, है ना, कि भाई हम क्या करें, राजा महाराजाओं को हराएं, सही है ना। चलो तो अंग्रेजों की थोड़ी सी कहानी लिख दे रहा हूँ, इनकी अंग्रेजों की, जिनको आपने थोड़ा बहुत तो समझा, किसको, अंग्रेज को, मराठों को तो समझ ही लिया, है ना। यहाँ देखिए, पहला अंग्रेज कहाँ से शुरू किए भाई, बंगाल से। बंगाल उन्होंने जीता, अपने टारगेट में रखा, और बंगाल के साथ पहला युद्ध कौन सा लड़ा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी जीता उन्होंने बंगाल में, ठीक है। आपको बंगाल अलग करके देखना है ना, 1757। फिर उन्होंने बंगाल के बाद, बंगाल से ही बंगाल का क्षेत्र बक्सर, मैं बता चुका हूँ कि बंगाल में कौन कौन शामिल था, पश्चिम बंगाल, अजय ये चल रहा है कि नहीं देखना, हेलो हेलो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। बिहार भी था, और बिहार में ही कौन है, बक्सर। तो बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता, जीतेंगे कब, 1764। अभी एक कोने में ही है वो लोग। इसी के बाद उन्होंने क्या कर दी, इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की संधि, ठीक है चलो। कब हुई, 1765। फिर इलाहाबाद की संधि के बाद, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप जानते हो, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। इधर इलाहाबाद की संधि से उनको किसका अधिकार मिल गया, राजस्व वसूली का मिला, है ना, जी हाँ, राजस्व वसूली का अधिकार मिल चुका है अंग्रेजों को, सही है, ठीक। और इलाहाबाद की संधि के साथ ही एक द्वैध शासन, क्या नाम, द्वैध शासन की शुरुआत कराई गई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। यहां देखो, मैं अभी एक मोटा मोटा खाका खींच दे रहा हूं, उसमें रंग तो हम भर देंगे बाद में। इस द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल में क्या होंगे भाई, गवर्नर होंगे, बहुत सारों को मैं नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ पहले नंबर का गवर्नर, वो था क्लाइव। नाम सुना, बंगाल का गवर्नर क्लाइव ने किसकी शुरुआत कराई, द्वैध शासन की शुरुआत करा दी, और इलाहाबाद की संधि भी वही कराया, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे राजस्व वसूली का काम अंग्रेज करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे, राजस्व वसूली करेंगे वहां पर, और वहां का बंगाल का जो नवाब होगा, अब गुलाम हो चुका होगा, वो बंगाल का पूरा प्रशासन देखेगा, प्रशासन देखेगा। अब प्रशासन देखना है तो क्या बिना पैसे का हो जाएगा, पैसा वसूल कोई और रहा है, प्रशासन देखने को उसी और को बताए, क्योंकि हमने नवाबों को क्या बना चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं, ठीक है। नवाबों के नाम आपको लगभग लगभग पता है, कहाँ के भाई, बंगाल के, क्या नवाब, नवाब में पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुरली खां, मुर्शिद कुरली खां, कुरली खां था। मुर्शिद कुरली खां के बाद कब से कब तक था ये, 20 से 40, स्वतंत्र हो चुका था। उसके बाद दूसरा, हाँ, अली वर्दी खां, नवाब, ठीक है। और प्लासी का युद्ध लड़ते समय कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद उन्होंने मीर जाफर को बनाया, किसको, मीर जाफर को हटा के फिर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया, है ना, मीर कासिम, ठीक है। और मीर कासिम ही लड़ेगा कौन सा युद्ध,
बक्सर के युद्ध के समय कौन रहेगा? मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के समय में कौन रहेगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, मीर जाफर था कि मीर कासिम था बक्सर में? मीर कासिम। ठीक है, चलो। इलाहाबाद की संधि, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? क्लाइव है। क्लाइव के बाद कब से कब तक रहा वो बाद में देखेंगे। एक बड़ा नाम है वारेन हेस्टिंग्स का। किसका? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आने वाला व्यक्ति कार्नवालिस है, याद रखिएगा। कौन? कार्नवालिस। कार्नवालिस के बाद सहायक संधि करने वाला व्यक्ति वेले जली है। वेले जली, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्लाइव क्या शुरू किया था? द्वैत शासन। वारेन हेस्टिंग्स आया तो अंग्रेजों को क्या मिला है? राजस्व वसूली का काम मिला है, तो इसने आकर के राजस्व को कलेक्ट करने वाले का नाम रख दिया कलेक्टर, और किसका पद बनाया? कलेक्टर का पद बनाया। कार्नवालिस आया, उसने देखा कि यार राजस्व वसूली करने में कुछ लोग नाटक करते हैं, है ना, तो इन्होंने दारोगा का पद बना दिया और एसपी का पद बना दिया। किसने? कार्नवालिस ने। और कार्नवालिस ने आते से ही राजस्व वसूली में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो स्थाई बंदोबस्त शुरू कर दिया। ये सब कहाँ शुरू हो रहे हैं? हम बंगाल में हो रहे हैं, ठीक है। और वेले जली आया तो क्या शुरू कर दिया? सहायक संधि खत्म। इतने लोगों तक वेले जली 1799 में आया और 1805 तक रहा, याद रहेगा। कार्नवालिस 1885 में आया और 1793 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक रहा, खत्म। ठीक है, क्लाइव युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति है, है ना, और 1765 में रहेगा। कौन? क्लाइव। कब से कब तक है बाद में देख लेंगे, और सही है। ये कहाँ की कहानी चल रही है? अरे कहाँ की चल रही भाई? बंगाल, और बंगाल में होने वाले युद्ध और उनके बाद के घटनाक्रम, और बंगाल के हम लोग क्या देख लिए हैं? अरे क्या देख लिए? गवर्नर। किसके देख रहे हो? बंगाल के। सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ है? सेंट फोर्ट विलियम बंगाल, बम्बई, और एक उनके पास है दहेज में मिला। सही, बंगाल की कहानी खत्म। किसी कहानी? बंगाल की। बंगाल के बाद उन्होंने किसको जीता है? हाँ 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 बताओ। मैसूर को। यहाँ बंगाल जीत लिया, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, अवध को क्या बनाया गया? बफर स्टेट, याद है आपको? किसको? अवध को बफर स्टेट बनाया, बफर स्टेट बनाया, याद है आपको क्या? थोड़ा सा ध्यान से देखे, इतिहास कैसे दोहराते हैं। आपको मालूम है, हमने देखा था कि अफगानों को हराकर मुगल आए थे, सही क्या? किसको हराकर? अफगान। कौन? लोदी। लोदी कौन थे? अफगान। अफगानों को हराकर कौन आए? मुगल आए। फिर अफगान का ही एक व्यक्ति शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था, करेक्ट हुआ था कि नहीं ऐसा? और अफगान लगातार परेशान कर रहे थे किसको? ठीक, मुगल आ गए, मुगल स्थापित हुए, मुगलों को लंबे समय तक परेशान करने वाला व्यक्ति कौन? मराठा। सही है, स्वराज्य के लिए उन्होंने कई लंबी लड़ाइयां लड़ी, शिवाजी से लेकर संभाजी से लेकर राजा राम तक, साहू जी से। अब ये जबान पर आ जाना चाहिए, शिवाजी संभाजी राजा राम पूरा दिखना चाहिए पिक्चर हमारे, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, स्वच्छ पानी की भांति आपके कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ये बात हमारी ध्यान रखिए। अभी हम अंग्रेजों को 1800 तक कमजोर ही रखेंगे। कब तक? क्यों? क्योंकि अभी वो एक तरफ मात्र कहाँ तक सीमित है? बंगाल तक। और बंगाल के लिए उनके लिए एक प्लस पॉइंट था कि बंगाल सबसे संपन्न प्रांत था। कौन सा संपन्न प्रांत? कौन सा है?
बंगाल है, वहीं तक सीमित है। ठीक है, सहायक संधि से वो लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, भेलेजली। और सहायक संधि से होता क्या है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, है ना। सहायक संधि से क्या होता है उसके सामने लिख लें, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब क्या कि अंग्रेज आपकी सेना सैनिक सहायता करेंगे, अंग्रेज आपकी सैनिक सहायता करेंगे दूसरे से युद्ध लड़ने के दौरान। इसको बोलते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। कौन बोला, अंग्रेज बोले कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। हमारी सहायता क्या करोगे आप अपने यहाँ क्या रखोगे, सैनिक मींस रेजिमेंट, अपने यहाँ सेना रखेगा कौन, राजा। नहीं, हम आपकी मदद करेंगे तो वो जो सेना होगा उसका खर्चा तुम उठाओ, हमारी सेना है। दूसरा रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब उनका सेनापति, सही है, यानी अंग्रेज का एक सेनापति को हम बोलते हैं प्रतिनिधि, उनके घर पे रहेगा। इससे कैसा नियंत्रण आ गया, अप्रत्यक्ष नियंत्रण आएगा, आ जाएगा। ठीक, ये पूरी कहानी है 1800 तक की। अच्छा हाँ, यहाँ लिख देते हैं 1786। चलो ठीक है, आगे बढ़े। बंगाल का काम खत्म। अब दक्षिण में वो एक कोने पर किसको पकड़ेंगे, मैसूर को, सही है। दूसरा नंबर कौन सा, मैसूर। मैसूर के साथ उनका जो युद्ध होगा उसको बोलते हैं आंग्ल यानी अंग्रेज, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। ठीक, आंग्ल मैसूर, आंग्ल यानी अंग्रेज, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार बार हुआ। कितने बार, चार बार। ठीक है, पहला 1767 से 1769 तक, दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक, 90 से 92 तक, नहीं सॉरी 92 से 99 तक, नहीं 90 से 92 सही है, 90 से 92 तक, और तीसरा 1799 में। ठीक है, ये हुआ युद्ध। उस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन है, है ना, अंग्रेज गवर्नर 1767 से कब तक है, 69 तक, है ना, फिर 80 से 84 तक, है ना। गवर्नर है वेरे लस्ट, 80 से 84 के बीच है वारेन हेस्टिंग्स, 86 तक रहा ना, 85 तक कौन, वारेन हेस्टिंग्स, 90 से 92 में कार्न वालिस, और 1799 में कौन आ जाएगा, वेले जली आ जाएगा। वेले जली अभी देखकर आए हो आप लोग, हाँ। अब गवर्नर जनरल हो गया, यहां पर मैसूर का राजा कौन, हैदर अली था, हैदर अली। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स के समय पर 82 में उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी हैदर अली लिख लो, हैदर अली, हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान, और यहाँ पर भी कौन है, टीपू सुल्तान है।
पहला युद्ध कब हुआ? चलो राजा कौन है यहाँ पर? देख लिया? हाँ जी, इधर परिणाम देख लेते हैं। परिणाम, हैदर अली जीता, मतलब कौन हार गए? अंग्रेज हार गए। ये युद्ध बराबरी पर छूटा, ठीक? टीपू सुल्तान की हार हुई, टीपू सुल्तान की हार, यहाँ टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, है ना? आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? गवर्नर कौन है? राजा कौन है? परिणाम क्या हुआ? हैदर अली जीत गया पहला वाला युद्ध, ठीक है? इसका मतलब अंग्रेज अभी क्या है? कमजोर है, ठीक है? 1767 से कब तक? 69 तक। परिणाम के बाद क्या हुआ? संधि हुई, ठीक? अब यहां देखो जल्दी जल्दी फटाफट, बाद में और एक बार बात करेंगे, थोड़ा जरूर देख लें। इधर भाई, मैसूर राज्य यहां पर है, इसके जस्ट बगल में मद्रास है। मद्रास मीन्स सेंट फोर्ट जॉर्ज। हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास में जाकर हराया, इस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की, पहला। दूसरा युद्ध हुआ उस समय हैदर अली के साथ ही हुआ, उसका कारण था यहाँ पर एक बंदरगाह है माहे, उस बंदरगाह से हैदर अली भी व्यापार करता था और अंग्रेज भी व्यापार करता था। माहे बंदरगाह के कारण युद्ध हुआ, इस युद्ध के बीच में ही, दूसरे युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, मैच बराबरी पर छूट गया। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। टीपू सुल्तान हारा नहीं, बराबरी पर संधि कर लिया, सही है? तीसरा युद्ध हुआ, तब तक अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, तो तय था कि हारेगा कौन? टीपू सुल्तान हार जाएगा, ठीक है? तो पहले बार में मद्रास की संधि हुई। किसकी? मद्रास की संधि। दूसरे वाले में हमने आपको एक बार सिखाया था, याद होगा तो, चेन्नई बंगलुरु मंगलुरु, याद आ रहा है? हाँ जी। तो चेन्नई उस छोर पर है और मंगलरु इस छोर पर। अगली संधि का नाम मंगलौर की संधि है। तीसरी संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस वाले तीसरे वाले में टीपू सुल्तान हार गया और उसको अपना आधे से अधिक राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया, ठीक है? और चौथे वाले युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई है, और अंग्रेजों ने अब वहाँ का जो भी राजा बचा, उनका बेटा, उसके साथ सहायक संधि कर ली और उसको अपना गुलाम बना के रख दिया, और लंबे समय तक मैसूर राज्य किसका गुलाम होगा? अंग्रेजों का, ठीक है? तो अगले वाले के बाद क्या शुरू हो जाएगी बताओ? क्या हो जाएगी भाई? सहायक संधि। समझ में आ गया? कितने युद्ध हो गए? चार। किसके साथ? आंग्ल और मैसूर के साथ। अब हमारे को मैसूर के बाद किसके साथ देखना है? मराठा के साथ, ठीक है? मराठा के साथ पहला युद्ध शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? आंग्ल हाँ मराठा युद्ध, ठीक? मराठे से वो छेड़खानी नहीं करेंगे, पहली छेड़खानी करके फंस गए थे, लेकिन महादजी शिंदे ने उसको क्या करवाया? बचा दिया, ठीक है? पहला हुआ 1775 से कब तक? 82 तक, ठीक?
महाजी शिंदे ने क्या कराई, संधि करवाई। महाजी शिंदे ने संधि करवाई, लिख दिया। चलो दूसरा 1802 और 3, यहां से भूलना नहीं है, कुछ याद रखो ना रखो मराठों का युद्ध जरूर याद रखना है। दूसरा वाला 1802 से 3, तृतीय क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802-3 में हुआ। हो गया क्या? यहां पर पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को ध्यान से सुनना है, बाजीराव द्वितीय के सहयोगी का नाम शिंदे में कौन है, दौलतराव शिंदे, और उनका विरोधी कौन है, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर बहुत योग्य व्यक्ति था, उसने बाजीराव द्वितीय और दौलतराव शिंदे को पुणे में जाके हरा दिया था। किसने? यशवंतराव होलकर की सेना ने बाजीराव द्वितीय और दौलतराव शिंदे की सेना को कहां जाकर, पुणे में जाकर हरा दिया। तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास बंबई भाग गया और बंबई जाकर के सहायक संधि कर ली। किसने? क्योंकि अब तो किसका दौर आ चुका था, हाँ जी, सहायक संधि कर ली। अंग्रेज तो इसी बात की तलाश में थे कि तुम लड़ो और हमारे पास आओ, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय ने क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। तीसरा युद्ध, अब सहायक संधि से गुलाम हो चुका है कौन, बाजीराव द्वितीय। पेशवा तो बना रहेगा, लेकिन किसका गुलाम होकर, अंग्रेजों का। फिर 1817-18 में यही बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करेगा। कौन? बाजीराव द्वितीय ने मराठों का क्या बनाकर, संघ में भोसले लोग शामिल रहेंगे। कौन से लोग? भोसले, और कोई शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। भोसले कहाँ के हैं? नागपुर। मराठों का संघ बनाकर अंग्रेजों को पराजित करने की कोशिश की, हो गया सही है, अंग्रेजों को पराजित करने की कोशिश की। अंग्रेज पराजित नहीं हुए, इनको पराजित कर दिया, समझ गए ना। और बाजीराव द्वितीय को बाजीराव द्वितीय की हार के बाद उन्हें कहाँ बैठा दिए, उन्हें हाँ बिठूर में बैठा दिया गया। बैठ गए वो बिठूर में। चलो आगे बढ़े, इधर नोट क्या है, नोट, बिठूर के पास ही कौन है, झांसी। बिठूर कहां पर है, कानपुर के पास। बिठूर कानपुर झांसी, सही है। झांसी के बाद झांसी, अवध आदि ने मिलकर आगे क्या किया, 1857 का विद्रोह किया, खत्म। हम पहुंच गए कहां तक, 1857 तक, धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। इसका मतलब अंग्रेजों के बारे में हम लोग ये कहें, किसके बारे में, अंग्रेज
पावरफल फूल हुए 1799 से, सही है, या ऐसा कह सकते हैं 1800 से, कौन, अंग्रेज, 1800 से क्या हो गए शक्तिशाली, यानी अब 1800 और 1947 लगभग 150 साल शक्ति के रूप में कौन रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। यद्यपि लगभग 200 साल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पहला युद्ध 1757 में जीता ना, प्लासी में, और वहां से भारत पर धीरे से क्या किया, कब्जा जमाना शुरू किया। संयोग देखिए, संयोग बोल रहा हूं, अगला विद्रोह 100 साल बाद 1857 में हुआ, और संयोग देखिए कि भारत आजाद 1947 में, यानी 90 वर्ष बाद हुआ। ये सब संयोग है ना, है कि नहीं, 1757, 1857 और 1957, ठीक है। अब 1947, 1857 के बाद अंग्रेज यहाँ के राजा महाराजाओं को जीतना बंद करके उनको अपना क्या बना लेंगे, सहयोगी बना लेंगे, और फिर 1857 के बाद राजनीतिक आंदोलन शुरू हो जाएगा जो कब तक चलेगा, 1947 तक चलेगा, करेक्ट। तो आधुनिक भारत पढ़ना फिर आगे क्या रहेगा, आसान रहेगा। जो चीज़ें हमारी फंस रही थी वो थी, पहले नंबर पर हमने बंगाल जीता, दूसरे नंबर पर मैसूर, और तीसरे नंबर पर मराठा। मराठाओं को उन्होंने बाद में छेड़ा, कहानी समझ में आ गई। पहली बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया था, बच गए, क्या हो गए, बच गए, कौन बचाया, ये तो अपने कारण बचवाया, ये नहीं बचवाता तो अंग्रेज निपट जाते, ठीक है। फिर वो धीरे से बक्सर भी छोड़ते और कहाँ रहते, बंगाल नहीं, किनारे किनारे पर ही रहते, मतलब तटों पर ही रहते जो लंबे समय से थे, ठीक है नहीं, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते। चलो जो भी हुआ हो गया। अब ओह बाप रे, बच गए, है ना, क्या हो गए, बच गए। इतिहास समझ में आया थोड़ा थोड़ा, हाँ जी, अब पूरा समझ में आ गया, और वर्गीकरण करके समझ में आया। हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे, ओवरलैप पढ़ करके पढ़ रहे थे, बिल्कुल समय के साथ चीजों को क्या कर लो, बांट लो, और समय के साथ बांटोगे तो चीजें कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, क्या मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक घंटा